हेलो दोस्तों, हम आ रखे हैं आज यहाँ पे फूलपाड़ा में। तो ये देखिए इधर का मनोहारी दृश्य, वाह इतना अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा अभी सूर्यास्त होके गया हुआ है, ये यहाँ से सनसेट हुआ है अभी, हल्का सा आपको दिखाई दे। लेकिन मानसून में यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है, पूरा पानी पानी। अभी तो देखो डैम का पानी भी काफ़ी कम है, बहुत कम हुआ है, बहुत अच्छी। मानसून में तो कहने ही क्या है, पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। यहाँ पे आए थे हम एक बार, लेकिन बहुत अच्छा, पानी काफ़ी कम है, कम होने की वजह से यहाँ पे सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मन को शांत कर देने वाला वातावरण है। एकांत की खोज में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। एक्चुअली मैंने ये कैमरे को जूम किया हुआ है। आज वर्किंग डे होने की वजह से यहाँ पे चहल पहल कम है, ज्यादातर एकांत ही है। और अभी अभी सूर्यास्त होके गया है, ये देखिए यहाँ से अभी भी रोशनी आ रही है, और ये दूर पहाड़ियाँ हल्की हल्की रोशनी इनमें सूर्य, चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ डैम है ये। और ये देखिए ये पहाड़ी, ये है जीवदानी माता का मंदिर। मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा, और ये पीछे वाला एरिया है, पीछे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वही पहाड़ी है जहाँ पे जीवदानी माता का मंदिर है, ये देखिए। और ये जगह आती है प्रॉपर विरार ईस्ट में, फूलपाड़ा ये जगह का नाम है। मतलब किसी को भी बोलेंगे तो वो आपको बता देगा ये लोकेशन यहाँ की। ये डैम काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। एक्चुअली ये पीछे वाला छोर है जहाँ से मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आगे जाने का टाइम तो मिला नहीं, लेकिन चलती हूँ जितना हो सके।
दोस्तों, मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ को एंजॉय करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।